आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, चल डीपीपी दोनों डीपीपी नंबर 23 डाउट्स बोलो। फर्स्ट, अरे यार फर्स्ट पे मुझे है ना तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टेलीग्राफ दिखता कैसा है। बताता हूँ मैं, ऐसे बोला था मैंने, इंटरनेट पे देख लो, मुझे भी याद नहीं कैसा दिखता है, कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, और छोड़ो फर्स्ट छोड़ो, पता चल जाएगा कैसा दिखता है तो बन जाएगा। मैं बता दो कैसे काम करता है वो, कैसा दिखता है इंटरनेट पे देख के बता दो। फर्स्ट, थर्ड करने का एक आसान तरीका है, ठीक है, थर्ड और सिक्स, नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स। अरे डाउट बोलो डीपीपी नंबर 23 के अपने। हाँ, मुझे अभी तक तुम लोगों ने बोला है फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स विच हैज थ्री डिजिट्स इवन एंड थ्री डिजिट्स ऑड इफ इट डिजिट इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, और सिक्स के बाद नाइन, English school and according to school are meeting room, suppose that is great to your course. This is what I need. हाँ, nine के बाद ठीक है, ten और बस ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन तो कल करवाई दिया था, बारह के बाद तो नहीं है ना, ट्वेल्थ कल कराई दिया था। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वन थ्री सिक्स नाइन टेन, ठीक है, वन थ्री सिक्स नाइन टेन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले यार क्या बताऊँ, सबसे आसान कौन सा है इसमें, वन ही आसान है लेकिन वन लास्ट में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर टेन कर लेते हैं पहले, क्या लिखा है, अ कमिटी ऑफ फाइव इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नाइन पीपल, नौ में से पांच लोगों की टीम बनानी है, कमिटी बनानी है। Number of ways in which this can be done if two particular persons either serve together or not at all, मतलब दो particular लोग या तो साथ में काम करेंगे या दोनों साथ, मतलब साथ में ही काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे, तो या तो उनको लेंगे या तो उन दोनों को नहीं लेंगे, and two other particular person refuse to serve with each other, ठीक है। तो कितने लोग हैं, नौ लोग हैं, नौ लोग हैं, पी वन पी टू नाम देना पड़ेगा पहले, तो फिर उनके बारे में देखेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे लग रहा है, पी सेवन पी एट पी नाइन, ठीक है। इसमें से मान लो ये दो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके में पहली कंडीशन दी है कि ये दोनों काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और इन दोनों में क्या कंडीशन दी, टू पर्टिकुलर पर्सन रिफ्यूज टू वर्क टूगेदर, ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, और ये दोनों बोल रहे हैं साथ में काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो केस वन, पांच लोग की कमिटी बनानी थी, तो केस वन बना दिया मैंने, पी वन पी टू को ले लिया, एक मार दे दो पी थ्री को भी ले लिया, ठीक है, और बाकी कितने बचे, दो देखते होंगे बाद में। केस टू, पी वन पी टू को ले लिया, इस बार पी फोर को ले लिया, ठीक है ना, पी फोर को लिया, पी थ्री को लिया, तो यहाँ पे पी फोर क्या होगा, नहीं लेंगे, ठीक है, पी फोर को लिया तो पी थ्री को नहीं लेंगे। अच्छा, ये दोनों क्या बोल रहे थे कि हम दोनों या तो साथ में काम करेंगे, मतलब हम दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, तो या तो ये करेगा ये नहीं करेगा, या ये करेगा ये नहीं करेगा, या एक केस ये भी आएगा कि जब दोनों ही नहीं करेंगे, वो केस भी बनाना पड़ेगा, केस थ्री, ठीक है, पी वन पी टू का तो ये वाला केस पकड़ रहे कर रहे काम, पी थ्री भी काम नहीं कर रहा है, पी फोर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब केस फोर, कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को, कैसे बनाना है, यहाँ पे P1 P2 में पहले हमने फिक्स कर दिया, P3 P4 में चेंजेस किए, यहाँ पे P1 P2 फिक्स कर दिया, फिर भाई P3 P4 में चेंजेस किए। अब तुम देखोगे तो मुझे P1 P2 काम कर रहा है, दो लोग काम कर रहे हैं, P3 भी काम कर रहे हैं, तीन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग और चाहिए तुमको, दो बचे, कितने लोग, एक दो तीन चार, तो गए चार का तो काम खत्म हो गया, टोटल नौ थे, नौ में से और कितने बचे, पांच, पांच में से कितने सेलेक्ट कर लिए, दो, पांच में से दो इधर, ठीक है, इधर कितने लोग काम कर ले, दो, और कितने चाहिए, तीन, बचे कितने लोग, वही पांच, फाइव सी थ्री,
इधर कितने लोग काम कर रहे हैं? एक चार और चाहिए, बच्चे कितने? भाई पांच बच रहे हैं। 5C 4 4 ना 4 ये भी 5C 4 जाएगा। और यहां पे कोई भी काम नहीं कर रहा, बच्चे कितने लोग? पांच। पांच में और कितने चाहिए? पांच। 10 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
क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं यार, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स व्हिच हैव थ्री डिजिट्स इवन एंड थ्री डिजिट्स ऑड, ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। ठीक है यार, इसमें है ना तुम बस यही प्रॉब्लम होगा, जीरो जब आएगा तो प्रॉब्लम होगा, जीरो जब आएगा तो पहली प्लेस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को दो केस बनाना पड़ेगा, एक केस में जब इवन में जीरो इंक्लूड करेंगे और एक केस में जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लिखो ना दो केस, लिखो ना क्वेश्चन नंबर सिक्स, खुद से लिख लो यार, मैं क्या बोर्ड पे लिखूं। हाँ लिखो ना केस वन, केस वन पहले है ना, मैं इवन नंबर्स मान लेता हूँ, जो इवन नंबर्स में से मेरे को तीन इवन नंबर्स चाहिए, कौन से पहले मानू, दो चार छ आठ। देखो केस वन, दो कॉमा चार कॉमा छ कॉमा आठ, ये क्या हो गए इवन नंबर्स, और ऑड नंबर्स लिखो ना वन थ्री फाइव सेवन नाइन। ठीक है, इस थोड़ा जगह छोड़ के केस टू, केस टू में हमको जीरो इंक्लूड करना है। ठीक है ना, पहले केस में हमने जीरो इंक्लूड नहीं किया है, केस टू में हमको जीरो इंक्लूड करना ही है, तो मैंने जीरो को ले ही लिया है। ठीक है ना, तो जीरो टिक मार दो ऐसे। ठीक है, इसके अलावा और कितने इवन नंबर्स लगेंगे तुमको, दो तीन चीजें, जीरो तो ले ही लिया, दो और लगेंगे, तो फिर लिख लो टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा एट, और इसके बाद में वन कॉमा थ्री कॉमा, पहले मैं जीरो क्रॉस करूं, दूसरे में जीरो टिक करूं। वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो है ही, और नंबर तो चाहिए ही, दो चार छह आठ लेंगे और जीरो नहीं लेंगे, इसमें एक तीन पांच सात नौ, दो चार छह आठ जीरो लेंगे। ठीक है, अच्छा कितने हैं ऑड पांच, कितने चाहिए, कितने इवन चार, कितने चाहिए तीन, कितने, अच्छा उसको अरेंज भी करना है, अभी करते हैं, कितने हैं ऑड पांच, कितने चाहिए तीन, कितने इवन चार, चार जीरो तो ले ही चुके हैं, चार कितने लेने हैं दो, की जीरो ले चुके हैं, फोर जीरो। अब सुनो मेरी बात, इधर पांच मेरे पास कितने डिजिट्स थे, छह, तीन तीन ले लिए, उन छह चीजों को छह जगह पर हमने छह पांच चार तीन दो एक सिक्स फाइव को लिए, और यहाँ पे बस एक गड़बड़ होगी, जीरो भी इंक्लूडेड है, तो पहले जगह पे रखेंगे पांच पांच चार तीन दो फाइव एक फाइव, इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है, केसेस बना बना के। ये तुम लोगों से बोर्ड क्वेश्चन बन गया ना, मैंने करवाया नहीं था, मैंने दे के छोड़ दिया, बस मुंह से बता दे, पूरा नहीं कराया था। ठीक है, सिक्स्थ हो गया, टेंथ हो गया, नाइन्थ, नाइन्थ पढ़ता हूँ यार, रुको दो मिनट। English and vernacular school are both under one superintendent. Suppose that the superintendent, the four teachership of English and are vacant. There be altogether 11 candidates for the appointment, three of whom apply exclusively for the and two exclusively for the appointment, and the number with this which the different appointment candidates. कितने total चार teacher लेने हैं ना? आठ का लेने, चार ही तो लेने हैं each. अच्छा sorry, आठ लेने. हाँ, और एक, हाँ, और अपने पास टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से तीन लोगों ने एक्सक्लूसिवली उसके लिए और दो लोगों ने टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो अपने को कितने तरीके यार केसेस बनाने पड़ेंगे, और क्या सारे टीचर्स ले ना, हां आज ये टीचर्स के एप्लीकेशन बना लेंगे,
तीन जैसा सर सबसे बड़ा नंबर है 11 हो गए तो 11 में से तीन तो सुपरिटेंडेंट के लिए है 8 बच्चे 8 टीचर के लिए सुपरिटेंडेंट एक के लिए है तो बाकी के टीचर के लिए अप्लाई 8 के लिए तीन सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किए दो लोग टीचर के लिए अप्लाई किए अब वो दो लोग तो जो टीचर के लिए अच्छा तीन लोगों ने अप्लाई किया टोटल 11 लोग थे तो 8 बचे तो 8 के 8 तो जाने ही पड़ेंगे अरेंज क्यों कर रहे हैं अच्छा किस कौन से स्कूल में किसको भेजोगे सही है यार देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है इसमें क्या है कि सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन ये सिंपल बन गया क्वेश्चन क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं वो प्लस करके इक्वल आ रहा है 11 कैंडिडेट्स है टोटल अपॉइंटमेंट के लिए जिसमें से तीन लोग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं और दो लोग टीचर के लिए अब तीन लोग अगर सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो बचे कितने लोग 8 और टीचर कितने चाहिए 8 ठीक है तो 8 लोग हैं तो 8 लोग टीचर के लिए अप्लाई किए हैं सॉरी 8 लोग टीचर के लिए अप्लाई नहीं किए 8 लोग बचे हैं और 8 टीचर ही चाहिए तो ये तो कंफर्म है वो 8 के 8 टीचर ही के पोजीशन के लिए जाएंगे तो वो तो सीधे 8 के 8 चले गए और ये सुपरिटेंडेंट तीन लोग अप्लाई किए थे कितने चाहिए एक चाहिए 3 वो 8 टीचर को बस तुमको 4 इंग्लिश स्कूल में भेजना है और 4 उधर वाले स्कूल में भेजना है वो तुम अपने सेलेक्ट करके आराम से कर लो निपटा लो इसको हो जाएगा ठीक है हाँ चुप रहो 2 मिनट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 1 और 3 बचा है थर्ड क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 200 मिलियन एंड यूजिंग ओनली द डिजिट्स 1 और 2 अरे 200 मिलियन कितना होता है 20 लाख की 2 लाख 20 लाख होता है ना 200 मिलियन अच्छा 2 मिलियन नहीं है 200 अरे मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 20 करोड़ से छोटे नेचुरल नंबर्स देखने हैं जो 1 और 2 से मिलके बने हैं मुझे 1 या 2 से मिलके बने चलेगा 1 या 2 दोनों चलेगा अच्छा मुझे बताओ यार इसमें 20 करोड़ से छोटे डिजिट्स वाले नंबर स्टार्ट करने पड़ेंगे तो कहां से स्टार्ट करोगे 1 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 3 डिजिट फिर 4 डिजिट ऐसा करेंगे क्या एक तरीका है मेरे पास इसको करने का चलो पहले इसको ऐसे करते हैं ना 1 डिजिट 2 डिजिट से करके देखते हैं होता है क्या ठीक है 20 करोड़ का जीपी नहीं बनता है क्या बनता है जीपी बनेगा करो ना देखो 1 डिजिट नंबर केस 1 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे 2 2 समझ गए ना 1 या 2 2 बनेंगे ठीक है केस 2 2 डिजिट नंबर तो पहली जगह पे रखने के दो तरीके दूसरी जगह पे रखने के दो तरीके टोटल इस बार कितने बनेंगे 4 2 स्क्वायर लिख लो केस 3 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे 2 क्यूब ठीक है अच्छा ऐसे केस 4 केस 5 केस 6 केस 7 बनाने बैठना है अपने को अब लास्ट केस देखते हैं क्या अपने कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नॉट डिजिट है तो पहले केस 8 लिख लो जैसे सीधा डॉट 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 लगा के केस 8 लिख लो केस 8 क्या है केस 8 8 डिजिट का ठीक है 8 डब्बे बना लो इसमें क्या आएगा 2 की पावर ये समझ में आएगा तुम्हारे ठीक है 2 की पावर 8 अब लिखो केस 9 अच्छा अब सुनो मेरी बात ये कितना डिजिट नंबर है नॉट डिजिट नंबर है इतना मानते हो ना कुछ नॉट डिजिट नंबर्स भी होंगे जो इससे क्या होंगे छोटे यार छोटे वाले चले है ना अच्छा जो भी नॉट डिजिट नंबर इससे छोटे होंगे उसके फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा चलो स्टार्ट करो केस 9 9 डिजिट नंबर नॉट पे बनाओ ना इसमें नॉट डब्बे बनाओ पहले डब्बे पे रखने का एक ही तरीका कौन सा है वो तरीका वन और बाकी डब्बे पे दो 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 इस बार क्या आया फिर से टू की पावर इन सबको ऐड करेंगे तो नहीं होगा करो नहीं Thank you.
टू की पार कहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से ना टू की पार एट तक गया था और एक और टू की पार एट आया था ये तो जीपी है इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाता हूँ फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो का नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन वन माइनस टू प्लस टू की पावर एट ये क्या बन गया देखो अच्छे से ये बनेगा टू इंटू टू की पावर एट माइनस वन प्लस टू की पावर एट ये बनेगा थ्री इंटू टू की पावर एट माइनस टू कैसे हो गया ये क्या पढ़ा रहे हैं चल रहे हैं ये फर्स्ट का आंसर क्या है x माइनस वन की पावर x माइनस वन चलो सुनो ना मैं तुमको यार ये है ना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना ये x x में नहीं समझाता हूँ मैं तुमको ये कोई वैल्यू लेके समझा देता हूँ नोट्स निकालो ना यही क्वेश्चन करा देता हूँ आज के लेक्चर का पहला सवाल यही स्टार्ट करते हैं नोट्स निकालो ना बता देता हूँ टेलीग्राम कैसा दिखता है नोट्स निकालो लिखो उसमें A telegraph has सवाल लिखो पहले A telegraph has five arms ठीक है five arms and each arm is capable of four different positions Telegraph has five arms and each arm is capable of four different positions, including the position of rest. Including the position of rest. Including the position of rest. Find a number of different signals. That can be generated. मुझे जितना याद आ रहा है उसके हिसाब से टेलीग्राफ कुछ ऐसा दिखता है अरे देखो देखो इधर एक टेलीग्राफ है जिसके पांच आर्म्स है जैसे घड़ी घड़ी में आवर हैंड होता है ना आवर आर्म बोल सकते हैं उसको वैसे इसमें पांच अलग अलग आर्म्स होते हैं ठीक है हर आर्म के पास कितने पोजीशन है चार तो देखो कुछ ऐसा दिखता होगा शायद कि ये एक दो तीन चार पोजीशन ये जीरो वन टू थ्री ठीक है ये जीरो कौन सा पोजीशन हो गया रेस्ट वाला पोजीशन इंक्लूडिंग पोजीशन ऑफ रेस्ट दिखाया ऐसे पांच आर्म्स होंगे इसके ठीक है देखो बना रहे हैं जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री जीरो वन जीरो वन टू थ्री और इसके पांच आर्म्स है एक एम इधर है एक एम इधर है एक एम इधर है समझ गए ये वाला जो एरो है ये इन चार में से कोई एक पोजीशन लेगा ये वाला जो एरो ये इन चार में से ये इन चार में से समझ गए ना क्लियर हो गया नहीं टेलीग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा तो ये इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड इसका मतलब है कि ये वाला वन पे रहेगा ये वाला वन पे रहेगा ये वाला टू पे रहेगा कोई भी पोजीशन उठा ले वन वन टू थ्री वन उस सिग्नल का कुछ मतलब होगा कोई और पोजीशन पे होगा वन 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 तो कुछ और मतलब होगा टू टू वन कुछ और मतलब होगा समझ में आ गया ना तो कितने टाइप के सिग्नल जनरेट हो सकते हैं तुमको फ्लैग वाला क्वेश्चन कराया था मैंने कि अलग अलग कलर के फ्लैग उसी टाइप का सवाल इस आर्म के लिए कितने पोजीशन है चार इस आर्म के लिए चार 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 कितनी बार चार आया पांच बार लोगों ने चार की बार पांच तरीके के पोजीशंस
सॉरी सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। अब इसमें एक माइनस करना पड़ेगा, कौन सा? देखो ये भी जब जीरो पे होगा, ये भी जब जीरो पे होगा, ये भी जीरो पे होगा, ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, तो ये कौन सा पोजिशन हो गया? रेस्ट वाला पोजिशन हो गया। रेस्ट पे कोई सिग्नल नहीं जनरेट होता है, इसलिए हमको बोला कि सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 की पावर 5 माइनस। देख लो करा लो, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज करके पढ़ाया जाता था हेडिंग निकाल निकाल के। जैसे हमको हेडिंग डाल के लिखवाते थे टेलीग्राफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें हमको टेलीग्राफ कैसा दिखता है वो समझाते थे। फिर हमको एक बोट प्रॉब्लम्स कराते थे, उसमें बोट में क्या रहता है कि कुछ इस टाइप का बोट रहता है, ठीक है, कोई तो भी एक साइड को रोइंग साइड बोलते हैं, कोई तो भी एक साइड को पता नहीं क्या बोलते हैं, एक स्टीयरिंग के लिए एक आदमी लगता है, पीछे एक आदमी लगता है, कुछ ये सब चीजें आपको समझाते थे। अब ये सब चीजों की जरूरत नहीं रहती क्योंकि टेलीग्राफ वगैरह यूज नहीं होता है, तो उसके ऊपर सवाल नहीं मिलेगा तुमको। जैसे तुमने देखा था माइन स्वीपर मिलेगा, सुडोकू मिलेगा, जो बेसिक चीज है तुमको आती है वो सब मिलेगा, उन सबके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो गेम अगर कोई वो देगा तो उसमें एक्सप्लेन करेगा गेम के बारे में, कोई रैंडम गेम सुडोकू भी अगर वो लिख के देगा तो सुडोकू भी बताएगा कैसे खेलना होता है। यही बार बस बनाना है, बाकी आंसर तो सिंपल सा छोटा सा है। डी अरेंजमेंट करवाई दिया मैंने बहुत सारा, उसमें प्रूफ बाकी है, बस लास्ट एक टॉपिक बाकी है प्रूफिंग, ठीक है, उसके पहले एक दो सवाल करते हैं आज। चलो लिखो, कल वाला नहीं अभी करना, मैं सुबह सुबह लिखो अभी नहीं, बहुत समय लगेगा उसमें, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा मैं। उसका आंसर 11 है, वो जिस एक दो लोगों ने सोल्यूशन बताया था सही बताया था। लिखो ना, एक ने लिखा था 9 + 4x = 53, देखना ग्रुप में वो सही था, 9 + 4x = 53x निकालना है। देखो 6 लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ, 6 लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, आर देयर। Find number of triangles that can be formed. ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हारे पास दो लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है, तीन लेंथ का एक लाइन सेगमेंट है, चार का, पांच का, छह का, सात का, तुमको बताना है इन सब लाइन सेगमेंट्स को यूज करके कितने ट्राइंगल बना सकते हो। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने लाइंस लगेंगे? है कितने? 6। कितने चाहिए? 3। क्या लिखेंगे? 6c3। लेकिन क्या कोई भी लाइन सेगमेंट चुनने पे हर बार ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल बनने के लिए तुमको स्कूल में कंडीशन लिखाई होगी, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको तुम ऐसे बेसिक वे में भी समझ सकते हो, प्रूफ भी मैं इसको 2 मिनट में कर सकता हूं, हम लोग एसओपी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो करेंगे। मान लो ये सी लेंथ का है, ठीक है, इधर देखो इसके ऊपर मैंने और रस्सी रख दी, ये ए लेंथ का है और ये बी लेंथ का है, ठीक है ना। मान लो ये जॉइंट है, मैंने अलग अलग बनाया कि तुमको दोनों अलग अलग दिखे, ठीक है। अब तुम एक चीज सोच के देखो, अरे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, समझ में आ रहा है ना? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब तुम सोच के देखो, अगर इस लाइन को इधर से पकड़ के उठाओगे, इसको उठा के यहाँ रखोगे, यहाँ पर फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये ए है, तो ये जो है वो ए से बड़ा होगा कि ए से छोटा होगा? ए डैश होगा। ये बी था, ये स्ट्रेच होके क्या हो जाएगा? बी डैश। इतना बोल सकता हूँ, अगर ए प्लस बी सी के इक्वल है तो ए डैश प्लस बी डैश सी से क्या होगा? बड़ा। तो दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, हमको याद होगा, ठीक है। अच्छा, तो वहां पे मुझे कोई एग्जांपल दो जब ट्रायंगल बनेगा, कोई एग्जांपल।
क्या क्या लिखा है ना, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर में दो साइड का सम करोगे तो हमेशा तीसरे साइड से बढ़ाएगा, कोई भी दो का सम करो तीसरे से बढ़ाएगा। कोई एग्जांपल दो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा। टू थ्री सेवन, सेवन नहीं लिखा, लिखा है टू थ्री फाइव, ठीक है। तो इसमें दो तरीका है, या तो तुम टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट करो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा, या तुम डायरेक्ट वही केसेस लिखो जब ट्रायंगल बनेगा। गिनना ही पड़ेगा बैठ के, और कोई तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, टोटल माइनस लिखो ना उसमें, ऐसे सॉल्व करेंगे हम उसको। टोटल माइनस, टोटल माइनस व्हेन ट्रायंगल डज नॉट फॉर्म्स, टोटल माइनस व्हेन ट्रायंगल डज नॉट फॉर्म, ऐसे केसेस सब्ट्रैक्ट करते हैं जब ट्रायंगल नहीं बन रहा। हाँ बिल्कुल सही। क्या है सिद्ध सराज, लाइव नहीं लूंगा मैं। टोटल माइनस व्हेन ट्रायंगल डज नॉट फॉर्म, टोटल तरीके 6C3, 6C3 माइनस जब ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो अब तुम केसेस गिनना स्टार्ट करो जब ट्रायंगल नहीं बन रहा है और उसको लिखते जाना। मैं पूछूंगा कितने केसेस है और कौन कौन से केसेस है। एक केस मैं बताता हूँ, छोटे से स्टार्ट करो, टू थ्री फाइव लिखो ना ऐसे सारे यार, और क्या करना है, बैठ के लिखना है, गिनती करनी है। दो तीन पांच, दो तीन छह, दो तीन सात, गिनना भी बहुत आसान है अगर सीधा 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 जाओगे। दो तीन पांच, दो तीन छह, दो तीन सात, नेक्स्ट क्या है, तीन चार सात, दो चार छह, दो चार छह, दो चार सात, दो पांच सात, कितने हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात केसेस हुए। फिर से बता देता हूँ, कैसे ज्यादा, दो तीन पांच, दो तीन छह, दो तीन सात, तीन चार सात, तीन चार छह नहीं है। ठीक है, तो 20 माइनस, अरे 63 माइनस 7, 7 समझ गया ना, कौन से इन्होंने यार 7 तरीके है ना। दो तीन सुन लो फिर से, कौन कौन से केस सब्ट्रैक्ट करने बोला है मैंने, दो तीन पांच, दो तीन छह, दो तीन सात, तीन चार सात, दो चार छह, दो चार सात, दो पांच सात, ठीक है, हो गया काम का जब। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग डालो, एक एक क्वेश्चन कर आ रहा हूं मैं, हेडिंग डालो ग्रिड प्रॉब्लम्स, ग्रिड प्रॉब्लम नहीं कराया, ग्रिड नहीं कराया, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कराया, ग्रिड प्रॉब्लम्स। हाँ चल, पहला सवाल इस पे, इस सवाल से स्टार्ट करते हैं। इधर देखो सब, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आज तक पूछा तो नहीं है, एक दो तीन, ठीक है, बना देखो क्या कर सकते। देखो देखो, ये है 0.0, अरे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या होगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, ये क्या होगा 5.6। समझ गया ना, सारे पॉइंट्स नोट करना हो तो मार्क कर सकते हो, उतना कोई दिमाग नहीं लगाना। मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो ए पे, ठीक है, और तुमको बी पे आना है। इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तुमको ए से बी की तरफ, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप कितने तरीके यहाँ से यहाँ जाना है। अभी इनफाइनाइट तरीके होंगे क्योंकि तुम यहाँ से आगे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 100 बार कर लो फिर चले जाओ, ठीक है। तो इसमें सवाल लिखा रहता है कि तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, तुम उसमें बैकवर्ड्स नहीं आ सकते हो और डाउनवर्ड्स नहीं आ सकते, या सीधा सा लिखा रहता है, तुम दो ही तरफ जा सकते हो, या तो तुम राइट में जाओगे नहीं तो अप जाओगे, दो ही तरीके, ठीक है। तो तुम सोचो, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, देखो एक तरीका, ठीक है,
और तरीके, और तरीके ऐसे बहुत सारे तरीके दिख रहा होगा तुमको, कोई भी तरीका तुम देख लो, कोई भी तरीका इनमें से एक तरीका कोई भी, मैं तुमको दो तीन तरीके दिखाता हूँ ठीक है। ये वाला तरीका मैंने दिखाता हूँ, इसमें तुम क्या किए, एक बार राइट गए, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, कितनी बार राइट गए, पांच बार याद रख रहे हैं। और अब कितनी बार गए, एक दो तीन चार पाँच, इसमें चार बार राइट गए और छह बार अप गए, पांच बार राइट गए छह बार। ये वाला पोजिशन देखो, राइट अप राइट अप राइट अप राइट अप राइट अप, यहाँ तक पहुंच गए, पांच पांच हुए दो ठीक है, और एक बार और अप, छह अप हो गए और पांच बार राइट गए। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए सिंपल सी चीज होती है कि पांच बार क्या लेना पड़ेगा, राइट और छह बार अप। तो कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि 5.6 पे पहुंचने के लिए पांच बार एक्स एक्सिस पे मूव करना ही पड़ेगा और छह बार वाई एक्सिस पे, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, ये काम करता हूँ मैं, तुम लोगों को ये तो तुमने पढ़ा ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5.6 बहुत बड़ी वैल्यू ले लेता लिया, मैं इसको 2.3 के लिए पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है। ये हो गया 2.3, एक ही लॉजिक हर जगह लगाते हैं, 2.3 के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ 5.6 के लिए लिख लेता हूँ। तो देखो अगर मुझे ए से लेके बी तक पहुंचना है 2.3 पे, तो क्या दो बार राइट और तीन बार अप, देखो दो बार राइट तीन बार अप तुम कैसे भी जा सकते हो, या तो तुम दो बार राइट जाना है और तीन बार अप जाना है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दो बार राइट चले गए और फिर तीन बार अप चले गए, या ऐसे भी कर सकते हो पहले तीन बार अप चले गए फिर दो बार राइट चले गए, या उसको मिक्स करके भी जा सकते हो। तो मैं बस इतना सा लिख रहा हूँ, दो बार राइट जाना है तो दो बार आर आर लिख लेता हूँ ठीक है, और तीन बार अप जाना है तो तीन बार यू लिख लेता हूँ, या फिर दो बार एक्स में जाना है तो दो बार एक्स लिख लेना और तीन बार वाई में जाना है तो तीन बार वाई लिख लेना, वाई वाई दोनों बात एक ही है ना। कुछ बुक्स में लिखा रहता है, कुछ में लिखा रहता है, हम तो इसी से करेंगे राइट और अप से ठीक है। और इनको अरेंज कर लेते, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, कितने हैं, पांच, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक डाउट आता है इसमें, मेरे को तो आता है कि सर ये अरेंज करने से आंसर क्यों आ रहा है, लेकिन अरेंज क्यों कर रहे हो, तो उसका कारण मैं बता देता हूँ। अरेंज क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जो कितने अरेंजमेंट्स हैं 10 के 10 अरेंजमेंट लिख देता हूँ और तुमको दिखा देता हूँ अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखना ध्यान से, आर आर यू 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 एक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट यू 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 आर आर, एक अरेंजमेंट यू आर यू आर यू, एक अरेंजमेंट आर यू आर यू यू, और भी हो गया ऐसे बहुत सारे ठीक है ना। मैं सबके सब लिख के क्या करूंगा, मैं तुमको बस यही चार दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, आर आर यू यू का राइट राइट अप 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 हो जी ना, इसका मतलब क्या है, देखो अप 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 राइट राइट हो जी ना, इसका मतलब क्या है, यू आर यू आर यू अप राइट अप राइट अप ठीक है, राइट अप राइट अप अप। ऐसे जब तुम सारे के सारे 10 के 10 अरेंजमेंट लिख लोगे तो तुम समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ जाने के 10 अलग अलग तरीके पता चल रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, जहाँ जाना है जहाँ से लेके जहाँ तक जाना है बस गिन लो कितने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उतने राइट और अप लिख देने के, और उसको क्या कर देना अरेंज, 5 और 6 के लिए लिख लो क्या है, पांच बार आर लिखोगे ठीक है। अच्छे से सवाल बना लो ना, वो 5.6 वाला बना लो और सवाल लिखो, मैं अभी लिखवा रहा हूँ। ग्रिड बना लो, इसको ग्रिड प्रॉब्लम होते क्योंकि ये ग्रिड है, 0 से 0, 0.0 से लेके 5.6 तक का बना लो, ए मार्क कर लेना और बी मार्क कर लेना, लिखो इसमें इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम 0.0 टू 5.6, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम 0.0 टू 5.6 इफ you are restricted to go upwards or rightwards, ठीक है, तुम upwards जा सकते हो या rightwards जा सकते हो, तो भी सही कह सकते हो, क्या लिखोगे समझ में आई क्या,
क्या आएगा, चार बार आर लिखो और छह बार यू लिखो और रिंग मार दो बस। चार पांच बार राइट सर, पांच बार आर छह बार यू को अरेंज करने के लिए 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये है ठीक है। चलो समझ गए, चलो एक और ये है 0.0। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेटा चेंज करके दे रहा हूं लेकिन उसमें और क्वेश्चंस दूंगा आगे। हाँ इधर देखो, यहाँ पे तुम खड़े हो ठीक है, और ऐसे उसको देखे थे यहाँ पे आएगी ठीक है, तुमको वहां से आएगी बेचारा बताओ कितने तक ठीक हो, ये पेन में राइट वर्ड्स और अप वर्ड्स, तो थोड़ा सा कुछ इसमें एक दूसरे टाइप का सवाल बना के दूंगा, तो पहले ये तो कर दो। तो लिखो ना यार, मैंने कहा ना बोला इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम You can go to IMDS. तुम कहाँ पे हो तो लिखी जाएगी। ठीक है? In how many ways you can go to IMD if you can move only rightwards and upwards? Same answer आएगा? बस इस बार छह बार right और पांच बार up. Answer same है। 6.5 पे जाने का और 5.6 पे जाने का सेम थिंग। ओके अब आगे इधर देखो, मान लो सवाल क्या है, मान लो यहां से वहां जाने के बीच में कुछ तो भी है, क्या है डिस्ट्रैक्शन नहीं, मान लो रेसॉक्सी के बीच में 2.3 पे लिखो ना, बनाओ ना ज्योमेट्री में 2.3 पे रेसॉक्सी है। In how many ways you can go to IMD via rhizoxy? ऐसे। बस करो। ठीक है। In how many ways you can go to IMD via rhizoxy? ठीक है, रेसॉक्सी 2.3 तो कैसे जाओगे, यानी यहां से यहां जाओ और फिर यहां से 6.5 जाओ, तो यहां से 2.3 पे जाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दो बार राइट तीन बार अप जाना पड़ेगा और फिर रेसॉक्सी से आईएमडी जाओ 4 और 2। इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम 0.0 टू 6.5 वाया 2.3। कोई भी दो आंसर सेम दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना दो के बीच में मैं कोई लेना देना ही बताऊंगा, मल्टीप्लाई करेंगे हर बार, मल्टीप्लाई करेंगे केसेस नहीं बनाएंगे, दोनों जाना जरूरी है, जब दोनों काम करते हो मल्टीप्लाई करेंगे छह काम करेंगे, छह होने वाले हैं हम 11 हो गए ठीक है क्या, ये समझ गए, जहां बीच में अगर वाया बोल दिया तो वहां पर रुक के उधर जाने का, अगर मैं बोलूंगा इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम 0.0 टू 6.5
यहाँ पे क्या बना है इस बार, या चलो यहाँ पे तो वही रहने देते हैं, कहीं और कुछ और कुछ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, मान लो ये रास्ता बंद है, कुछ तो भी है वहां पे, मान लो ठीक है यहाँ से होके नहीं जा रहे, ये रास्ता ही बंद है, टूटा हुआ रास्ता, तो क्या करोगे फिर? टोटल माइनस उधर से गई, ठीक है ना, लिख लो ये भी करी तो माइनस ही सवाल बनते हैं। 3.2 है, In how many ways you can go to IIT? 3.2 is blocked. 3.2 is blocked. 3.2 वाला रास्ता बंद है, ठीक है, 3.2 वाला रास्ता बंद है, तो टोटल में से वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब हम 3.2 से जा रहे हैं, तो टोटल माइनस माया 3.2। एक बजे छुट्टी हो जाएगी, जो भी है यही आएगा, क्या आएगा, बाई बाई जो माइनस में वही आएगा, यही आएगा ना, इधर भी तो यही आएगा, टोटल माइनस दिस ही है, यही है 3.2 पे जाने के बाद 3 नहीं 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 आएगा, ये 3 आएगा, टोटल आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये आएगा, ठीक है, ठीक है, चलो हो गया यार, ग्रेट प्रॉब्लम हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सही है, वाया जाना है ऋषभ, तुमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तो जाओ वाया होते जाना है, यही अल्टीमेटली तो यही पहुंचना है, यहाँ पहुंचने का मतलब तो उसके लिए, ठीक है ना, चलो लिखो ना एक सवाल लिखो ना, एक सेट लिखो, क्या ये टोटल तो ठीक है ना, 11 6-5 6 बार राइट 5 बार ये टोटल हो गया, मेरे को क्या बोल रहा था कि ये रास्ता ब्लॉक है, तो मैंने क्या किया टोटल में से वो कैसे सब्ट्रैक्ट किया, जब मैं इस रास्ते से होके गया, इस रास्ते से जब तुम होके जाओगे तो पहले यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाने के कितने तरीके, 1 2 3 2 तीन बार राइट 5 5 2 5 3 2 और फिर यहाँ से यहाँ भी जाना है 3 3 3 बार राइट 3 बार वो गया वो पिछले वाला सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है ना, चलो इस वो पहला वाला ही मिलेगा तुमको, ग्रेड में मिलेगा भी तो बस पहला ही पार्ट मिलेगा उसको, चलो एक और सवाल लिखो, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, इसको मैं तोड़ तोड़ के कुछ पार्ट्स में करा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट दूंगा तो शायद तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही, लिखो एस एक सेट है कैपिटल एस, उसमें लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएगा 2 की पावर 9, ठीक है, सबसेट्स वाला पार्ट बार बार करा दे रहा हूं क्योंकि मेंस में बहुत पूछते हैं ये, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 9 याद है ना, n एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n सबसेट्स होगी, नेक्स्ट लिखो इसमें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स क्या आएगा, 9 अरे ऐसे सबसेट जिसमें 5 एलिमेंट हो, तो तुमको कितने एलिमेंट चाहिए, 5 है कितने 9 95 कम का था, समझ गए ना, तुमको अगर याद नहीं है तो मैंने थोड़े दिन पहले यही क्वेश्चन पीछे भी करवाया है, ठीक है, क्या लिखवाया था वो लिख लो इसको, देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एटलीस्ट क्वेश्चन कराया दोस्तों, मैं बोला था ये मेंस में आया, एटलीस्ट 6 एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे सबसेट्स बनाने जिसमें कम से कम 6 एलिमेंट्स हो, तो क्या होगा, या तो 6 एलिमेंट होंगे या 7 या 8 या 9, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो 6 एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे, 9c6, देखो 9c6 प्लस 9c7 प्लस 9c8 प्लस 9c9, समझ आया क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, पूरा लिखा रहा देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स where exactly one is odd, ठीक है, where exactly, देखो अब ये सब मेरा थोड़ा सा तुम combination selection apply करके कर सकते हो, one is odd, ठीक है, सवाल समझ गए ना, 5 elements के subsets बनाने हैं जिसमें से कितने odd होने चाहिए, अब तुम 1 से लेके 9 में देखो कितने odd हैं, 5 odd है ना, 5 में से कितना चाहिए, 1, देखो 5c1, और 4 odd चाहिए अभी, किसमें से चाहिए वो, इवन है, कितने इवन है, 4c4 5c1 into 4c4, समझ गए ना, एक और ले लिया और चार इवन ले लिए, 5c1 into 4c4, ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट लिखो, उसमें लिखा है एग्जैक्टली वन इज ऑड, मतलब एक ही ऑड होना चाहिए, बाकी तो चार इवन ही हो, ठीक है, अरे वन ऑड नहीं, एग्जैक्टली वन इज ऑड, वन मतलब गिनती में वन, एग्जैक्टली वन इज ऑड, एक, अरे यार क्या बोलूं भाई, वन ऑड नंबर है, मेरे को भी पता है वन ऑड नंबर है, वहां पे लिखा है एग्जैक्टली वन इज ऑड, मतलब वन नहीं लेना है, पूरा एक लेना है, एक नंबर लेने हैं जो ऑड होने चाहिए, एक नंबर ऑड आना चाहिए पांच में से, ठीक है, हो गया ना, चलो अब इसको क्या एडवांस में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो लिखो, ये एक दो साल पहले का ही सवाल है, तुमको सवाल भी समझना पड़ेगा, बाकी करना कैसे है वो तो तुम समझ जाओगे, सवाल तो एक लाइन में आंसर लिख दोगे, ठीक है, देखो एम के बी, एन के बी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एच एस, एन के बी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस NKB number of subsets of S containing 5 elements, containing 5 elements where exactly K are odd, where exactly K are odd, समझे क्या इसका मतलब, find N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5, ठीक है, बहुत ही फालतू है, पर सवाल समझने में टाइम लग जाता है, देखो समझता है तो समझ रहा है, पढ़ो पढ़ो सवाल, एडवांस में है, फाइव
स्टेटमेंट नहीं समझा तो यार मैं तो नहीं समझाऊंगा, एक बार तुम ट्राई कर लो, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट सवाल में लिखा था, मैंने उसको कोई छोटा बड़ा नहीं किया, जो लिखा हुआ था मैंने लिखा था। चलो एनके का मतलब क्या है, एनके का मतलब है ऐसे सबसेट्स बनाने जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, पांच, जिसमें से कितने ऑड होने चाहिए, के ऑड होने चाहिए, एनके रिप्रेजेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग फाइव एलिमेंट्स, लिख रहा हूं एक बार, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग फाइव एलिमेंट्स वेयर एग्जैक्टली के आर ऑड, के ऑड होने चाहिए, एन1 का मतलब क्या होगा, एक ऑड होना चाहिए, पांच में एक ऑड होना चाहिए, एन2 का मतलब पांच में दो ऑड, एन3 का मतलब तीन ऑड, चार ऑड, पांच, तो एक ऑड होने चाहिए, कितने ऑड है करो, दो ऑड होने चाहिए, कितने ऑड है, क्या कर रहे हो, वो दवा निकालने की आदत है क्या, एक ऑड होने वाला तो अभी कराया ना यार, कितने ऑड है, पांच, पांच में से एक ऑड चुनना है, और कितने इवन चाहिए फिर, चार, कितने इवन है, चार, फोर सी टू, एन टू का मतलब क्या है कि पांच में से कितने ऑड होने चाहिए, दो, तो पांच में से दो चुनना, और कितने इवन बचे, चार, चार में से कितने इवन चाहिए, तीन, बस लिख दो ऐसे फाइव सी थ्री फोर सी टू, तो समझ ही जाना चाहिए, फाइव सी फोर फोर सी वन फाइव सी फाइव फोर सी जीरो, चार में से चार चुनने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, सबको लेना ही पड़ेगा, सवाल करवा दिया मैंने, डिवीजन के टाइप से ही चल रहा था, समझ लो, हेडिंग डालो, ये सबसे हार्ड टॉपिक है, हार्ड मतलब थोड़ा सा हार्ड ही है, ठीक है, हम लोग हार्ड वगैरह हजार टाइम से लेंगे, हेडिंग डालो, ग्रुपिंग, ठीक है, देखो अब मैं सबसे पहले इसमें तुमको दो तीन चीजें बता देता हूँ, तुम लोग बस मेरी बात फॉलो कर लोगे तो तुमको कोई टेंशन नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे इस टॉपिक में तो फंसोगे, ठीक है, क्यों नहीं लगाना दिमाग वो भी बताता हूँ, कल ही एक्सप्लेन किया था लेकिन कल ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाया था, देखो इसमें दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, मान लो मुझे छह चीजें हैं मेरे पास, ठीक है, मुझे उसके ग्रुप्स बनाने, चार और दो के, ठीक है ना, ग्रुप्स तुम ऐसे समझ सकते, मान लो तुम्हारे पास छह लोग हैं, तुमको टीम बनानी है, एक टीम में चार लोग होने चाहिए और एक टीम में दो लोग, बहुत सिंपल सा है, छह में चार की टीम चाहिए, दो की टीम चाहिए ना, छह में से चार चुन लो, चुन लिया, चार हो गए एक साइड, बचे दो, वो एक साइड, काम खत्म, बन गया, छह में से चार चुन लो, इतने तरीके से ग्रुप बन सकता है, समझ में आया, ठीक है, मान लो दूसरा सवाल देखता हूँ, छह लोग हैं मेरे पास, उसमें मुझे दो 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 के तीन ग्रुप्स बनाने, ठीक है, अब ये जब तुम तीन ग्रुप्स, मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ कि क्या गड़बड़ होगी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है, छह के दो 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 के ग्रुप्स बनाने, अब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, छह में से दो चुन लेते हैं, कितने लोग बचे, चार, चार में से अभी दो दो के और ग्रुप बनाने, ठीक है, तो फिर ऐसे सोचोगे चार में से दो चुन लेते हैं, और फिर कितने बचे, दो,
वो तो अलग हो ही गया, ठीक है। ये गलत है, कल ही बताया था, क्या बोला था कल, एक चीज याद हो गई, तो एक डब्बे में दो बार मत घुसना, दो बार घुसोगे तो क्या होंगे, केसेस रिपीट, इसमें बहुत सारे केसेस रिपीट हुए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इससे बचने का एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी तुम इसको फॉर्मूले की तरह डील करोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये जब भी दो 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 के तीन ग्रुप्स बनाने बोलूंगा, तुम दो बार अगर सेलेक्ट करने जाओगे तो केसेस बहुत सारे रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ये सब काम मत करना, मैं ग्रुपिंग के लिए हर केस के लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, तुम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके बाद क्वेश्चंस भी बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। तो हेडिंग डालो पहला अनइक्वल ग्रुप्स, हेडिंग डालो अनइक्वल ग्रुप्स, अनइक्वल ग्रुप्स। ठीक है, उसमें पहले लिख लो पूरा फॉर्मूले की तरह, अपने इस टॉपिक को ट्रीट करेंगे, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूं। नंबर ऑफ वेज इन विच n plus n different things, can be divided into two groups. Can be divided into two groups of m and n. Bracket में लिख लो, m is not equal to n. Is ये formula है, m plus n factorial upon m factorial n factorial. ठीक है, अपने apply करते हैं अभी. देखो उसमें क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, डिवाइड फाइव डिफरेंट चॉकलेट्स, इन टू ग्रुप्स ऑफ, टू एंड थ्री, ठीक है। पांच चॉकलेट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करो, कितने के दो ग्रुप्स में, दो और तीन के, ठीक है ना, समझ गए ना। तुम्हारे पास दो ग्रुप का, दो चॉकलेट का एक होना चाहिए थैला, ऐसे बोल देते, ठीक है ना, और तीन चॉकलेट का एक थैला होना चाहिए। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लिखो फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, जैसा ही है अभी, तो समझ में आ गया, ठीक है। और एक दो जगह लगाओ फॉर्मूला, डिवाइड सेवन डिफरेंट चॉकलेट्स इन टू ग्रुप्स ऑफ फोर एंड थ्री, बहुत आसान है ये, इसमें बस प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग यही नहीं पहचान पाते हैं कि ये ग्रुपिंग का सवाल है, ठीक है। डिवाइड सेवन डिफरेंट चॉकलेट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ फोर एंड थ्री, क्या लिखोगे, सेवन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, क्लियर है ना ये, ठीक है। इसमें क्या होता है तुमको फिर से एक बार समझा देता हूं, तुम्हारे पास सात चीजें हैं, तुम्हारे पास दो थैले बने हैं, कितने कितने के थैले हैं, चार के और तीन के, ये चार के और तीन के थैले बनाने के वो तरीके हैं, सेवन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला लिखो, अभी अनइक्वल ग्रुप सेटिंग डाला है हमने, नंबर ऑफ वेज इन विच, m plus n plus p different things can be divided into three groups of, number of ways in which, अरे नहीं ले रहा ऑनलाइन, number of ways in which m plus p different things can be divided into three groups of m, n, p, ब्रैकेट में लिख लेना, m is not equal to n is not equal to p, is formula है, सही, कुछ भी नया नहीं, m plus p factorial upon m factorial, n factorial, p factorial,
ठीक है लिख लो तुम एक क्वेश्चन लिख लो इसमें फॉर्मूला लगा लो इसमें डिवाइड सिक्स डिफरेंट थिंग्स इन थ्री ग्रुप्स ऑफ वन टू एंड थ्री ठीक है क्या लिखोगे सिक्स फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल समझ में आ गया ना एक और जगह लगा लो डिवाइड टेन डिफरेंट थिंग्स इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव थ्री एंड टू डिवाइड टेन डिफरेंट थिंग्स इन थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव थ्री टू दस चीजों के तीन थैले बनाने एक थैले में पांच चीजें एक थैले में तीन चीजें एक थैले में दो चीजें डिवाइड टेन डिफरेंट थिंग्स इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव थ्री एंड टू तुम फॉर्मूला लगाओ और पैटर्न दिमाग में लगाओ उसे टेन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू फाइव टू थ्री समझ गए ठीक है ट्वेल्थ वालों की क्लास ऑनलाइन ये बता रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डालो पहला हमने हेडिंग डाला था अनइक्वल ग्रुप्स और हेडिंग डालो इक्वल ग्रुप्स ठीक है इक्वल ग्रुप्स अब इसमें लिखना स्टार्ट करो नंबर ऑफ वेज इन विच तीन फॉर्मूले मैं तीनों लाइन से लिखा देता हूं फिर अपना अप्लाई कर लेते नंबर ऑफ वेज इन विच टू एन डिफरेंट थिंग्स टू एन डिफरेंट थिंग्स नंबर ऑफ वेज इन विच टू एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स ऑफ एन एंड एन इज number of ways in which 2n different things can be divided into two equal groups of अरे दो equal group में divide करना है तो दोनों में कितने कितने होंगे nn होंगे ना two equal groups of n and n things is देखो formula सब कुछ same रहता है ठीक है 2n factorial upon n factorial n factorial ही आता है बस n दो बार आया इसलिए यहाँ पे हमको two factorial से divide करना पड़ता है ठीक है क्यों करना पड़ता है वो देखते हैं अपने पहले तो फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे उसे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एक और फॉर्मूला लिखो इस बार पूरा फॉर्मूले में क्या लिखोगे सुन लो और फिर खुद से लिख लो नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 3n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स ऑफ n एंड n एंड n इज 3n डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे n तीन बार आया थ्री फैक्टोरियल मैं बताऊंगा ना क्यों प्रॉब्लम ये डिवाइड क्यों करना पड़ता है मैं बता दूं वो तो अरेंज हो गया है एक्चुअली बस इसलिए डिवाइड करते दिखा पता रहता है नेक्स्ट लिखो लास्ट ये दो फॉर्मूले एनसीईआरटी में लिखा है फॉर्मूला में मेरी तरफ से लिखा देता हूं दोनों को ड्रॉप करके लिखो ये फॉर्मूले से तुमको पूरा इक्वल ग्रुप का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 3n + 2m 3n + 2m different things three n plus 2m different things can be divided into five groups of n comma n comma n comma m comma n तीन बार n दो बार into five groups of n comma n comma n comma m comma m पांच में तीन बार n लिखा है दो बार n लिखा है क्योंकि उधर 3n plus 2m लिखा है था is देखो इधर देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं
देखो सर इक्वल जब भी होंगे कुछ ग्रुप्स में 3n plus 2n फैक्टोरियल टोटल अपॉन जो भी ग्रुप्स में डिवाइड करना n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो आ गया यहां पे n कितनी बार आया तीन बार तुमको एक 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा और m कितनी बार आया दो बार तो एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना ठीक है ये फॉर्मूला ये क्यों करना पड़ता है वो तो देख लेंगे यार ठीक है ना और क्यों करना पड़ता है उससे ज्यादा अपने को दिमाग लगाना भी नहीं क्योंकि ये ग्रुपिंग वाले सवाल में ग्रुपिंग करना ही चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए बाकी मैं तुमको वो भी कारण बता दूंगा कि क्यों करते हैं डिवाइड इक्वल में क्यों डिवाइड करना पड़ता है और इक्वल में क्यों डायरेक्ट आंसर आ जाता है ठीक है देखो अभी सवाल करो फॉर्मूला लगाओ कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड उसके बाद अपने अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर डिवाइड हाँ फॉर्मूला एकदम इजी है याद रखें इसी के लिए फॉर्मूले की तरह ही बोल रहा हूँ Divide 10 different things into 5 equal groups. क्या आएगा n factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial कितनी बार? 5 बार 5 factorial क्योंकि 2 factorial 5 बार 10 को 5 equal groups में divide करना 2 के 5 बनेंगे ठीक है ये answer समझ गए ना नेक्स्ट लिखो डिवाइड 6 डिफरेंट थिंग्स इनटू 3 ग्रुप्स कैसे करोगे डिवाइड कैसे क्या क्या दोगे 6 चीजों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है अरे क्या बने ग्रुप कितने कितने के बने पहले वो बता मुझे दो 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 के किसने बोला इक्वल बनाना है वहां पे इक्वल तो नहीं लिखा है इनटू 3 ग्रुप्स लिखा है तुमको केसेस बनाने पड़ेंगे क्या क्या केस बनेगा दो 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 और तीन दो एक और चार एक एक और पांच एक जीरो मत बोल रहा है क्योंकि पांच एक में डाल दिए एक एक में डाल दिए जीरो बना तो ये 3 ग्रुप्स नहीं बने जीरो वाला कोई ग्रुप तो ना होता है किसी में भी नहीं डालते ग्रुप बना के दो ही ग्रुप बनाइए तो तुम दो केस बनाओगे सॉरी दो नहीं कितने बने तीन बने ना तीन केस बनाओगे केस 1, 1, 2, 3 ठीक है इसके कितने तरीके आएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल केस 2 क्या बनाओगे 2 2 2 और केस 3 1 1 4 करो इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आया 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इसका आंसर आया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट इसमें 1 दो बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल इसमें 2 तीन बार आया इसलिए 3 फैक्टोरियल ये आंसर आएगा इसमें दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे अब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हो गया ग्रुपिंग का फॉर्मूला लगाना तुम सीख गए अब बात सुनो मेरी सुन लो उसके बाद ही कर पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस आएंगे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई ना तुमको यहाँ पे हम सिर्फ थैले बना रहे हैं 6 चीजों के हमने 1 का थैला बनाया 2 का थैला बनाया और 3 का थैला बनाया उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अरेंज किया है क्या नहीं हमने सिर्फ थैले बनाने के तरीके कितने आएंगे वो देखे हमने ये सिर्फ सिलेक्शन किया ठीक है ना एक थैला जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैं तुमको जैसे तुमने तुम्हारे पास 6 चीजें मान लो उनके नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ई एफ ये 6 चीजें हो गई इसके 1 के 2 के 3 के कितने थैले बनेंगे तो देखो एग्जांपल एक का एक एग्जांपल ले लिया कि एक थैले में सिर्फ ए डाला एक थैले में बी सी डाला और एक थैले में डी एफ डाला कितने कितने का थैला बना 1 2 3 या तुम ऐसे बना सकते थे एक में बी डाला
एक में ईसी डाला एक में डीईएफ डाला, या तुम ऐसे बना सकते थे एक में डी डाला एक में ईएफ डाला और एक में एबीसी, समझे ना। तो तुमने इसको तीन पार्ट्स पे डिवाइड किया, एक में एक है एक में दो है और एक में तीन है। सिमिलरली इसमें तुमने तीन पार्ट पे डिवाइड किया, एक में एक है एक में एक है एक में चार है, उसके कितने तरीके इतने तरीके हैं। और इसमें तुमने दो 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 में डिवाइड किया है, उसके कितने तरीके इतने तरीके, समझ गए। देखो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट सिक्स डिफरेंट टॉयज, सिक्स डिफरेंट टॉयज TOYS, ठीक है, अमंग थ्री ब्रदर्स, डिस्ट्रीब्यूट थ्री सॉरी सिक्स डिफरेंट टॉयज अमंग थ्री ब्रदर्स सच दैट एवरी ब्रदर गेट्स एट लीस्ट वन टॉय, ठीक है। Distribute six different toys among three brothers such that every brother gets at least one toy. ठीक है, ये क्या सवाल है? यही सवाल है। सुनो अभी ध्यान से, मैं इसको और हार्ड करके दे रहा हूँ। पहले बात सुनो तुम मेरी, तीन भाइयों को छह खिलौने देने हैं, सबको कम से कम एक तो भी मिलना चाहिए। तो एक ये तरीका, ये कौन सा तरीका है? एक को एक दिया, एक भाई को दो दिया, एक भाई को तीन दिया, ये कौन सा तरीका? एक दिया चार दिया, ये कौन सा तरीका? दो 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 दो, दो टोटल तरीके ये रहे। अभी देखो यहाँ पे बस इसमें और वो डिस्ट्रीब्यूशन में एक फर्क आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास थैले बढ़ गए, तीन खिलौने के थैले बढ़े। एक थैले में कितने खिलौने हैं? एक, जिसकी बात कर रहा हूँ, एक थैले, एक थैले में दो खिलौने और एक थैले में तीन। अब वो तीन भाई भी तो बैठे सामने, उन तीन भाइयों को ये तीन खिलौने देने भी तो है, तीन डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। तीन चीजें तीन लोगों को देने के कितने तरीके? थ्री फैक्टोरियल, इनटू थ्री फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ थैले बनाए हैं, वो थैले उन तीन भाइयों को देना भी है थ्री फैक्टोरियल। छह तरीके से दे सकते हो, तीन लोग हैं उसमें से एक छोटा बड़ा और सबसे बड़ा होगा, छोटे वाले को एक दिया और उसके बाद वाले को दो दिया, उसके बाद वाले को तीन दिया, या तीन दो एक, समझ गए ना। सिमिलरली यहाँ पे भी इनटू थ्री फैक्टोरियल, सिमिलरली यहाँ पे भी इनटू थ्री फैक्टोरियल। कौन सा थ्री फैक्टोरियल लिख लेना है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, लिख लो ये। क्या क्या डिवाइड करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, मतलब तुम बोल रहे हो कि वो तो मैं लाइक है, ए को एक दिया, बी को एक दिया, जी को एक दिया, ए को एक दिया, तो सेम है तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। ये क्या पूछ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी होता तो डाउट आता, ठीक है ना। नॉर्मली मैं ये डाउट बताता नहीं हूँ खुद से, क्योंकि मेरे बताने के बाद ये डाउट आ जाता है, लेकिन उसको आ गया है, इसके लिए अब उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तुम ही लोग दो सोच के इसका डाउट क्या है पहले सुन लो, डाउट समझ गया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये क्या बोल रहा है कि सर आपने थ्री फैक्टोरियल से अरेंज किया है, और जबकि मैंने ही पढ़ाया था कि अगर कोई भी चीज अलाइक होती है तो उतने से डिवाइड मारना पड़ता है। यहाँ पे ये बोल रहा है एक एक है, ये तो एक एक मतलब सेम है ना, तो यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखना चाहिए था? टू फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब एक ही तरीका होगा, टू 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 को देने का, थ्री फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल, है ना। मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये है कि ये एक है एक है, एक तो ठीक है दोनों में खिलौने एक एक ही है, लेकिन खिलौने एक जैसे हैं क्या? नहीं, खिलौने अलग अलग है, उनको बांटने के उसको अलग अलग ही तरीके हैं, ठीक है ना। थ्री फैक्टोरियल ही आने वाला, ये प्रॉब्लम जानते हो क्या? तब आएगी जब हम सिक्स सिमिलर टॉयज पढ़ेंगे ना, तब बहुत गड़बड़ होगी, वो भी कराऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बोले, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, धीरे धीरे करके समझ में आते जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट ये थोड़ा सा और हार्ड है, यही सबसे अच्छा सवाल है, अगर तुम्हें एडवांस वगैरह में ग्रुपिंग का सवाल मिलेगा तो यही मिलेगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूट सिक्स डिफरेंट टॉयज अमंग थ्री ब्रदर्स सच दैट ईच ब्रदर गेट्स एट लीस्ट वन टॉय, पूरी कहानी ऊपर की लिख लो, उसके बाद मैं एक लाइन और लिखूंगा, बस ऊपर की पूरी कहानी लिख लो। डिस्ट्रीब्यूट सिक्स डिफरेंट टॉयज अमंग थ्री ब्रदर्स such that each brother gets at least one toy.
एंड द यंगर ब्रदर एंड द यंगर ब्रदर गेट्स क्या लिखा है यंगर को सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए क्या लिखो हाँ यंगर ब्रदर गेट्स मोर टॉयज देन द अदर ठीक है क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर या छोड़ो यंगर ब्रदर गेट्स मोर नंबर ऑफ टॉयज देन द अदर ठीक है देन अदर मतलब छोटे भाई को तुमको सबसे ज्यादा खिलौने देने हैं अब तुम बस इतना सा सोचो कि ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी एक दो तीन ये वाली ग्रुपिंग होगी क्या क्यों ये छोटे भाई को अगर ज्यादा खिलौने दे रहे हैं सबसे ज्यादा खिलौने देने हैं तो दो 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 में तो नहीं बांट सकते क्योंकि दो 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 में बांटेंगे तो उसको सबसे ज्यादा खिलौने नहीं मिलेंगे ठीक है तो ये वाला केस हटा देता हूँ इसमें दो ही केस आएगा अच्छी बात ये पहले तो पहले मैंने ग्रुपिंग कर ली है हटा देता हूँ ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी कितने तरीके ग्रुप बनाने के ये रहे अब यहाँ पे एक थैले में एक खिलौना एक थैले में दो खिलौना एक थैले में तीन खिलौने छोटे भाई को कौन सा दोगे छोटे भाई को तो वही तीन वाला ही मिलेगा और कोई नहीं मिल सकता है दो भाई बचे हैं बड़े उन दोनों को ये दोनों खिलौने चाहिए कितने तरीके इस बार टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे सेम चार खिलौने वाला छोटे भाई को मिलेगा आगे ठीक है इस टाइप के सवाल रहते हैं यार इसमें समझ गए ना और क्या करेंगे इसमें यही सबको घुमा फिरा के करते चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो ऐसी फालतू सही है इजी सही है बाकी हो गया चैप्टर खत्म ठीक है मंडे से नया दिखते हैं लेकिन ये तो हो गया ठीक है लिखो अभी तो लिखो Divide 22 players. इसमें और दे दूंगा मैं आगे हार्ड में आगे Divide 22 players into two teams of 11 and 11. अच्छा एक नोट लिख लो ना कहीं मार्जिन में एक नोट लिख लो ठीक है या देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ग्रुपिंग में कि सवाल पढ़ के यही नहीं समझ में आता है ग्रुप्स बनाना है मैंने तो इतना आसान बना दिया है तुम्हारे लिए पूरे के पूरे सवाल इसके पहले के कि मैंने हर सवाल में यही लिखा है डिवाइड दिस इनटू ग्रुप्स तो जब आप लिख के रहेगा कि भाई ग्रुप में डिवाइड करो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि ग्रुपिंग करनी पड़ेगी लेकिन तुम एग्जाम में जब ग्रुपिंग का सवाल रहेगा तो उसमें लिख के नहीं देगा कि डिवाइड इनटू ग्रुप्स ठीक है ना उसमें कोई और वर्ड लिख के देगा कैसे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है टीम ठीक है तो ग्रुप लिखा रहेगा वर्ड टीम लिखा रहेगा और क्या लिखेगा बंडल्स मिलेगा कि बंडल्स बनाओ एक दो तीन और क्या मिल सकता है बंचेस लिख लो कुछ वर्ड्स लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं लिखो ग्रुप्स ठीक है ग्रुप्स टीम्स कॉमा बंचेस बंडल्स ठीक है और क्या लिखा मिल सकता है जो भी है यार ग्रुप से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स अगर लिखे हुए मिले समझ जा रहा तुम भाई ग्रुपिंग एक सेक्ट्रा लिख लो ठीक है ना आर ऑल वर्ड्स फॉर ग्रुपिंग ये सारे ग्रुपिंग के वर्ड्स है तो यहाँ पे भी तुम देखोगे 22 के दो टीम बनाने बोल रहा हूँ मतलब टीम मतलब ग्रुप्स बनाने बोल रहा हूँ कितने कितने के 11 भी कितने तरीके हैं 22 factorial upon 11 factorial 11 factorial 2 factorial 11 दो बार है 22 factorial upon 11 factorial 11 factorial 2 factorial अगर तुम इसको ऐसे करते कि 22 के दो टीम बनाने हैं 11 के और 22 C11 लिखते तो देखो वहां पे 2 factorial नहीं आता गड़बड़ हो जाती तो हमको ग्रुपिंग के सवाल में ग्रुपिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है ठीक है 22 factorial upon 11 factorial 11 factorial 2 factorial next
सेकेंड पार्ट इसमें नंबर ऑफ बीज दिस कैन बी डन, मतलब ऊपर वाली कहानी नंबर ऑफ बीज दिस कैन बी डन सच दैट टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, नंबर ऑफ बीज दिस कैन बी डन सच दैट टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट टुगेदर, टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, ये 22 में से 11 कह रहे हैं कि जो टीम बनानी है ना उसमें दो पर्टिकुलर प्लेयर को अलग अलग टीम में डालने का है। ठीक है ना, मान लो उनका नाम P1 P2 है, वो दोनों को एक को P1 को अलग टीम में और P2 को अलग टीम में। तो सुनो, इन दोनों की कहानी को करो साइड, छोड़ो इन दोनों, बचे कितने लोग 20, इनके कितने कितने की टीम बनाओगे तुम 10-10, तुम पहले इन दोनों के 10-10 की टीम बनाओ। ठीक है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 10-10 की दो टीम बन गई, ये एक 10 की टीम है एक 10 की टीम है, यहाँ पे P1 P2 है, बोलो P1 P2 को किसमें भेजूं, P1 को इसमें P2 को इसमें या P2 को इसमें P1 को इसमें, कितने तरीके आए इनटू टू, ओके समझ गए ना। चलो ये करो खुद से, नंबर ऑफ बेस दिस कैन बी डन सच दैट टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टुगेदर, अभी इसमें क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सच दैट टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टुगेदर, इस बार तुमको P1 P2 को साथ में रख रहा है, तो तुम सोच के देखो तुमको उन दोनों को एक टीम में भेजना पड़ेगा, तो इस बार तुमको दो टीम्स बनानी है, तुम कितने कितने की टीम बनाओगे, 10-10 की मत बना ले, 11 और 9 की बनाना। ठीक है, 11 और 9 की टीम बनाने कितने तरीके, 20 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, अब तुमको ये दो लोगों को एक टीम में भेजना है, कौन सी टीम में भेजोगे, 11 करने के लिए, इस बार दो तरीके नहीं है, इस बार कितने तरीके, एक ही तरीका है, इस बार आंसर आएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, बस। चलो ठीक है, बस बहुत है, तो एक बार डीपीपी दिखाओ ना, 24 डीपीपी सही है, डीपीपी नंबर 24 बनाओ, उसमें ग्रुपिंग के सवाल मिलेंगे, आराम से बनाओ हो जाएगा। ठीक है, चलो काफी अच्छा।